हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम करने जा रहे हैं जो AKTU के एग्ज़ाम में प्रीवियस अटेम्प्ट में ऑलरेडी जो क्वेश्चंस कैपिटल स्ट्रक्चर के, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के आ चुके हैं, उनमें से हम एक क्वेश्चन यहां पर करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई अपने लेक्चर्स में, उसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। तो कुछ इजी क्वेश्चंस करवाए थे और अब हम डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के, वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, ऑलरेडी आपको चीज़ें आती हैं, मैं मान कर चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी जो पुराने लेक्चर्स हैं वो देख चुके हैं, राइट, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ABC लिमिटेड है जिसे 30 लाख रुपीज़ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री चाहिए, यानी जो फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो आपकी कितनी है, फंड रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 30 लाख की है, ठीक है। EBIT बताया, द न्यू फैक्ट्री एक्सपेक्ट्स टू यील्ड एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, साफ साफ EBIT लिख दिया है, 5 लाख रुपीज़ का EBIT है, ठीक है। इन चूजिंग अ फाइनेंशियल प्लान, ABC लिमिटेड हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग EPS, अर्निंग पर शेयर, राइट, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि आपको EPS इंक्रीज करना है। कंपनी प्रपोजेस टू इशू इन ऑर्डनरी शेयर्स, कंपनी ऑर्डनरी शेयर्स इशू कर रही है और डेट रेज कर रही है, यहाँ ये आई नहीं होगा, ठीक है। कंपनी ऑर्डनरी शेयर्स इशू कर रही है और डेट रेज कर रही है, पहले ऑप्शन में डेट आपका 3 लाख का है, दूसरे ऑप्शन में डेट आप कह रहे हैं कि 10 लाख का है, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में डेट कह रहे हैं 15 लाख का है, राइट। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन में डेट आपका, मतलब प्लान वन में डेट आपका 3 लाख तक का रेस करेंगे, फिर प्लान टू में 10 लाख का डेट रेस करेंगे और टोटल फंड 30 लाख का चाहिए, तो 20 लाख की इक्विटी रहेगी, जबकि पहले वाले प्लान में 3 लाख डेट है तो 27 लाख की इक्विटी रहेगी, और थर्ड वाले प्लान में 15 लाख का ये डेट इशू करेंगे तो बचा हुआ 15 लाख इक्विटी के थ्रू होगा। इन्होंने कहा इक्विटी रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, 250 रुपीज़ पर शेयर में आपका इक्विटी जो है वो सेल होगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के काम आएगा। और इसके साथ एक ही और एक और लाइन दे दी जिसका मैं ध्यान रखना है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप 2 रुपीज़ 200 इफ फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 12 लाख। तो फंड हम कौन से प्लान में बोरो कर रहे हैं, 12 लाख से ऊपर फंड, प्लान वन में हम 3 लाख कर रहे थे, प्लान टू में हम 10 लाख कर रहे थे, प्लान थ्री में हम 15 लाख फंड जो है वो बोरो कर रहे हैं, तो 12 लाख से ऊपर हम किस में कर रहे हैं, प्लान थ्री में, यानी प्लान थ्री में इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो 250 ना रखकर 200 रखेंगे, और इस 250 और 200 का यूज़ कहाँ आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने में। आगे इन्होंने कहा फंड्स कैन बी रेज्ड एट द फॉलोइंग रेट्स, ठीक है, क्या क्या आपका रेट चल रहा है। इन्होंने कहा कि अगर आप स्लैब दिए हुए, बेसिकली स्लैब्स दिए हुए, जैसे आपका इनकम टैक्स में नहीं होता, स्लैब दिए रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप 3 लाख रुपीज़ तक का डेट उठा रहे हैं तो 8% आपका इंटरेस्ट लगेगा, 3 लाख से जितना ऊपर आप डेट लेते हैं, 3 लाख से लेकर 15 लाख तक, उस पर 10% लगेगा। ये कैसे पता लगा, यहाँ पे पता लगा ओवर 3 लाख, ठीक है, और ओवर 15 लाख के ऊपर अगर आप डेट उठा रहे हैं तो 15% इंटरेस्ट लगेगा। तो 15 लाख तक उठा रहे हैं, 15 लाख के ऊपर हम डेट नहीं उठा रहे हैं, हम तो 15 लाख तक उठा रहे हैं, यानी कि ये जो थर्ड वाली लाइन है ये हमारे किसी काम की नहीं है। आपका टैक्स रेट 50% बता दिया है, कंपनी को एडवाइस देनी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए फटाफट हम इसे जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें जो है 3 दिए हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्लान 1 2
थ्री, ठीक है। तो प्लान वन में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 8% डेट, क्योंकि 3 लाख तक का डेट हमें 8% पे मिल रहा है, और फिर उसके ऊपर का डेट हमें 10% पे मिल रहा है। उससे ऊपर हमने डेट लिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम डेट है वो 15 लाख तक का है। ओवर 3 लाख, 2 रुपीज़, 15 लाख एट 10% मिल रहा है, 15 लाख के ऊपर डेट उठा रहे हैं तो 15% मिल रहा है, दैट्स वाई मैंने लिखा नहीं है। तो पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि डेट आपका 3 लाख है और टोटल फंड की रिक्वायरमेंट 30 लाख्स है, ठीक है। तो 3 लाख तक का डेट हमें कितने पे मिलेगा? 8% पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी डेट नहीं रहेगा। टोटल फंड रिक्वायरमेंट आपकी साफ साफ पहली लाइन में लिखी है 30 लाख्स, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आना चाहिए यहाँ पे? 30 लाख्स। तो 3 लाख्स अगर मैंने डेट से उठा लिया, इट मीन्स कि 27 लाख्स मैं इक्विटी से रेज कर रही हूँ, राइट। वापस जाते हैं, दूसरे ऑप्शन में 10 लाख जो है फंड डेट के थ्रू रेज किया है। अब एक बात बताइए, 3 लाख्स तक का तो अगर मैं डेट उठाती हूँ, ठीक है, तो 8% पे मिलेगा। 3 लाख्स के ऊपर अगर, 3 लाख्स के ऊपर टिल 15 लाख्स तक अगर उठाती हूँ तो 10% मिलेगा। तो टोटल डेट अगर मैंने 10 लाख उठाया, टोटल अगर 10 लाख उठाया, तो इट मीन्स कि 3 लाख तक का डेट तो मेरे को 8% में मिला, और 10 में से 3 माइनस कर दिया तो 7 लाख तक का डेट मेरे को 10% पे मिला है, ठीक है। टोटल मेरा कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 30 लाख्स। अब 10 लाख अगर डेट से आ गया, इट मीन्स कि 20 लाख्स हमारा इक्विटी से हमें आएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाले में टोटल फंड रिक्वायरमेंट हमारी 30 लाख्स की है, और लास्ट वाले में लिखा है कि 15 लाख तक का आपने टोटल डेट लिया है, 15 लाख तक का। तो 3 लाख्स तो आपको क्या मिल रहा है? 8% पे मिल रहा है। नेक्स्ट 12 लाख्स आपको कितने में मिलेगा? 10% में मिलेगा। स्लैब समझिएगा, ये स्लैब है। स्लैब का मतलब क्या होता है, एक बार आप स्लैब का मतलब देख लीजिए जिनको डाउट है। अप टू 3 लाख, यानी कि आप अगर 3 लाख्स तक का लोन उठाते हो तो 3 लाख्स तक पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8%। 3 लाख के ऊपर जितना भी आप उठाते हो, तो 3 लाख के, 3 लाख से लेके 15 लाख, यानी कि नेक्स्ट 12 लाख्स, नेक्स्ट 12 लाख्स पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना है। समझ में आ रही है बात? 3 लाख तक पे आपको 8% का देना है, 3 से 15 लाख तक कितना हुआ? 12 लाख। नेक्स्ट 12 लाख पे आपको क्या देना है? 10% देना है। और अगर आप अबव 12 लाख कुछ भी उठाते हो, मतलब नेट अबव 12 लाख कोई भी अगर फिगर होती है, ठीक है, तो 12 लाख के ऊपर जितना भी उठाओगे उस पे आपको 15% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इसको हम स्लैब बोलते हैं, ठीक है। स्लैब बेसिस इनकम टैक्स में हमारा जो इनकम पे रहता है, इनकम टैक्स जो हमारा दिया रहता है वो किस बेसिस पे दिया रहता है? स्लैब बेसिस पे दिया रहता है। इसको हम फ्लैट बेसिस नहीं बोलते, इसको हम स्लैब बेसिस बोलते हैं। फ्लैट बेसिस ये होता है कि मैंने आपको कहा था 15 लाख अगर आप पूरा का पूरा लोन ले रहे हो तो 10% लगेगा, उसको फ्लैट बेसिस बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का अप टू ओवर ऐसे दिया रहता है, इट मीन्स कि ये स्लैब बेसिस है, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है, तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई कि ये हमारा जो है आपका क्या निकल आया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये आपका बन चुका है, और ये आपका क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख्स का, राइट। अब दूसरा हम क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम तीनों प्लान के लिए क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? प्लान है हमारे 1, 2, 3, ठीक है। EBIT क्वेश्चन में बता दिया था हमें, आप देख सकते हैं EBIT देखिए थर्ड लाइन में बता दिया है, सेकंड लाइन से EBIT ऑफ ₹5 लाख लिखा हुआ है। तो तीनों प्लान में हमारा EBIT कितना हो गया? 5 लाख्स। तीनों में हमारा EBIT आपका 5 लाख्स, 5 लाख्स, 5 लाख्स ये हो जाएगा,
राइट, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपने माइनस किया, इंटरेस्ट हमारा दो टाइप्स का है, एक हमारा है 8% पे और दूसरा हमारा है 10% पे। इंटरेस्ट हमारे दो हैं, एक हमारा है 8% 8% और दूसरा हमारा है 10%, ठीक है। हमने ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर में जाके देखा, 3 लाख्स का 8%, 3 लाख्स का, ये तीनों जो 3 लाख्स हैं, 3 लाख्स का 8% हम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 लाख्स का हमारा 8% जो है वो निकल कर आएगा 24,000, ठीक है। 3 लाख्स का 8% हमारा 24,000 निकल कर आएगा, 24,000, राइट। और नेक्स्ट आपका क्या है, 10%, तो पहले में 10% है नहीं, 7 लाख का 10% 70,000 निकलेगा और 12 लाख का 10% जो है वो आपका 1,20,000 निकलेगा, अब हम इंटरेस्ट लेस करने के बाद हम अपना निकाल लेंगे ईबीटी। ईबीटी हमारा देखिए 5 लाख में से 24,000 आपने माइनस कर दिया, आपका कितना आएगा 4,76,000, 4,76,000, 5 लाख्स में से आपने 24,000 माइनस कर दिया, माइनस 70,000 कर दिया, आपका आया 4,06,000, फिर 5 लाख में से आपने 24,000 माइनस 1,20,000 आपने कर दिया, आपका आया 3,56,000, ठीक है। ईबीटी में से आपने क्या लगा लिया, टैक्स, टैक्स आप 50% लगाएंगे, तो 4,76,000 का 50% आपका आएगा 2,38,000, 2,38,000, 2,38,000, 4,06,000 का 50% आपका 2,03,000, 3,56,000 का 50% आपका 1,78,000, ये आपका आ गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स ही आपका क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स ही आपका क्या है, EAE, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आपका यहाँ पे निल है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं EAE हमारा क्या क्या है, 2,38,000, 2,38,000, 2,03,000, 2,03,000 और 1,78,000, ये आपका प्लान 3 का दिया है, ठीक है। अब हमारी बात होती है नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स कैसे निकालें, देखिए इक्विटी शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, अगर आप प्लान 1 में देखिए तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 27 लाख्स, ठीक है। तो यहाँ पे 27 लाख्स और बोल रहा था कि इक्विटी शेयर्स का प्राइस कितना होगा, 250। तो जब हम ये वर्कआउट करेंगे 27 लाख डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आएगा 10,800, ठीक है। दूसरे में हमारा कितना था, 20 लाख इक्विटी था, क्योंकि 10 लाख हमारा डेट था, ठीक है। इसको भी 250 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपका 20 लाख को 250 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं ये 8,000 आएंगे। और प्लान
80 या थर्ड में देखने वाली बात है कि क्वेश्चन ने कहा था कि अगर फंड, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, अगर फंड 12 लाख से ऊपर का होगा, इफ़ द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 12 लाख, तो आपका शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, 200। तो उसका ख्याल हमें यहाँ पे रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते टाइम। और आपने लास्ट ऑप्शन में देखा था कि अगर हम देखें तो हमारा जो इक्विटी है, अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे इक्विटी जो है हमारा है आपका कितना हो जाएगा, 15 लाख आपका डेट है, तो 15 लाख सी आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 लाख लास्ट वाले में अगर हम देखें तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 200 करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, और 15 लाख डिवाइडेड बाय जब हम 200 करेंगे तो हमारे 7500 शेयर्स निकल कर आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में हमें ध्यान रखना है, और उसके बाद हम अगर देखें तो हमारा ईपीएस इजीली निकल सकता है क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए हैं। तो 238,000 डिवाइडेड बाय 10,800 हम यहाँ पे देख रहे हैं 22.04 आपका आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है, 203,000 डिवाइडेड बाय 8,000 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा रहा है 25 रुपीज़ 38 पैसे, और 1 लाख यहाँ पर 1,78,000 डिवाइडेड बाय 7,500 जब हम कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 23.73, राइट, ठीक है। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमने ईपीएस जो है यहाँ पर निकाला है, ठीक है, कैसे हमने ईपीएस निकाला है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ईपीएस है वो आपका प्लान टू का है, तो प्लान टू जो है आप रिकमेंड करेंगे, राइट, प्लान टू जो है वो आप रिकमेंड कर देंगे कि प्लान टू जो है वो कंपनी को ऑप्ट करना चाहिए, राइट। तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।